हेलो बच्चों, वेलकम टू फंडी ट्यूटर। और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं फोर्स एंड प्रेशर। सो आई होप आपके एग्जाम के प्रिपरेशंस बहुत अच्छे से चल रहे होंगे। लेकिन फिर भी अगर आपके पास कोई भी सब्जेक्ट या फिर सब्जेक्ट के किसी भी क्वेश्चन का अगर आपके पास डाउट है, देन कमेंट में आप डाउट को ज़रूर पूछिए। आई विल श्योरली ट्राई टू आंसर दैट। और अभी तक अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल जो है वो सब्सक्राइब नहीं किया है, तो पहले आप सब्सक्राइब कर लो ताकि आप ऐसे और ज़्यादा लेसन्स आप देख पाओ। सो चलो स्टार्ट करते हैं फोर्स एंड प्रेशर। ये है आपका क्लास 8th का साइंस का चैप्टर। ओके, सो देखो अभी इसमें क्या हो रहा है। एक बंदा है या फिर एक आप अपना कोई दोस्त है, वो एक चीज को ना ढकेल के ले जा रहा है ना। वो ढकेल के जब ले जा रहा है तो क्या हो रहा है, वो जो ऑब्जेक्ट है वो मूव हो रहा है, राइट। तो अगर हम किसी चीज को ऐसे दबाते हैं तो वो मूव तो जरूर होगा। फॉर एग्जाम्पल देखो, मैंने यहाँ पे मेरा अपना फोन ले लिया है, ठीक है। अगर मैं अभी अभी ये क्या क्या है, अभी ये मूव नहीं कर रहा है, ये अभी रेस्ट पोजीशन पे है। और अभी अगर मैं इसे मूव करूँ, ठीक है, तो ये मूव हुआ। दैट मीन्स मूव कैसे कर रही हूँ मैं, इस हाथ से इसके ऊपर कुछ फोर्स दे रही हूँ। क्या दे रही हूँ, फोर्स दे रही हूँ। तो किसी चीज को ढकेलना यानी कि पुश करना, या फिर किसी चीज को पुल करना, इसको बोलते हैं फोर्स। ओके, इतना तो आपने पढ़ा ही होगा अपने बुक्स में कि पुश और पुल को हम बोलते हैं फोर्स। लेकिन उसके अलावा भी कितने टाइप्स के आपके फोर्स होते हैं, क्या है क्या नहीं, एवरीथिंग विल बी डिस्कस्ड इन दिस चैप्टर। इसमें हम प्रेशर की भी बात करेंगे, अपथ्रस्ट की भी बात करेंगे, एंड बहुत सारे इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स आपको जानने को मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। फोर्स क्या होता है? ए पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज फोर्स। तो जैसे आपने अभी प्रीवियसली जो एनिमेशन देखा कि एक बंदा किसी चीज को पुश कर रहा था, ठीक है, पुश कर रहा था तभी वो मूव हो रहा था। तो हम किसी भी चीज को पुश करते हैं तो मूव होता है। किसी भी चीज को आप ले लो, एक पेन के कैप में यहाँ पे ले रही हूँ, इसको भी अगर मैं एक फोर्स दे रही हूँ ना, ये मूव करेगा ही करेगा, ठीक है। अब देखो डिफरेंस क्या है, ये मोबाइल बड़ा है ये छोटा है, पर इसका कुछ ना कुछ तो वेट होता है, इसका भी कुछ ना कुछ वेट होता है, ठीक है। तो कोई भी बॉडी जिसका मास है उस पे अगर हम फोर्स लगाते हैं तो वो मूव होता है, समझ रहे हो चीज को। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ पुश से ही आपका चीज मूव होता है, पुश से ही फोर्स होता है। अगर हम किसी चीज को खींचते भी हैं अपनी ओर, दैट इज पुल करते हैं, तो उसको भी हम फोर्स बोलते हैं। ओके, सो ए पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज फोर्स। तो पुश क्या होता है आपको पता चल गया, कि अगर मैं किसी चीज को ढकेल रही हूँ तो दैट इज आई एम पुशिंग द ऑब्जेक्ट। अगर मैं इसको खींच रही हूँ, अगर आपने ये मोबाइल मेरा ले लिया, आपके टीचर ऐसा, अगर आप क्लास में लेते हो मोबाइल तो आपके टीचर आपसे मोबाइल ले लेते हैं, तो आप उनसे क्या करते हो, ऐसे खींच के अपना मोबाइल लेने की कोशिश करते हो। या फिर कभी आप अपना आंसर का टाइम, मतलब एग्जाम का टाइम खत्म हो गया लेकिन आपका लिखना खत्म नहीं हुआ, और आपके टीचर जो है वो आपके आंसर शीट को अपनी ओर पुल करते हैं, बट नहीं सर नहीं सर मेरा नहीं हुआ, तो आप उसको अपनी ओर पुल करते हो, राइट। यस, सो दैट इज पुल। पुश क्या हुआ, पुश इज ए फोर्स टू मूव एन ऑब्जेक्ट अवे फ्रॉम आवर बॉडी, अपनी बॉडी से अवे करते हैं तो वो पुश होता है। पुल क्या होता है, ए फोर्स टू मूव एन ऑब्जेक्ट टूवर्ड्स आवर बॉडीज, ठीक है। तो अपनी तरफ खींचना, दैट इज पुल। जैसे आपके शॉपिंग मॉल में अगर आप जाते हो तो वहां पे जो डोर्स होती है वहां पे लिखा होता है पुश पुल। अंदर अगर खोलते हो दैट इज पुश, अपनी ओर अगर खोलते हो दैट इज पुल, सिंपल। तो और एक चीज देखो, इफ फोर्स कैन नॉट बी सीन बट वी कैन फील एंड ऑब्जर्व द इफेक्ट्स ऑफ ए फोर्स। तो क्या आप फोर्स को देख सकते हो? नहीं, हम फोर्स को नहीं देख सकते हैं, पर यस वी कैन फील इट। अगर आपको कोई ऐसे पुश कर रहा है तो आप वो देख नहीं सकते हो, कि वो फोर्स को नहीं देख सकते हो, लेकिन आप फील तो कर सकते हो कि आपके ऊपर एक फोर्स पड़ रहा है। एग्जैक्टली, अगर आप एक हवा, बहुत तेज हवा आ रही है,
ठीक है, और वो हवा भी आपको ढकेलता है। कोई मतलब ऐसा कोई पर्सन को तो छोड़ो, अगर हवा भी आपको ढकेलता है तो आप वो फील करते हो कि आपको कोई चीज पुश कर रहा है और आप ऐसे मूव हो जाते हो। ठीक है, सो दैट इज अ फोर्स कैन नॉट बी सीन बट वी कैन फील द फोर्स। ठीक है, द इंटरेक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स अराइजेस फोर्स। तो फोर्स कब होता है? जब दो ऑब्जेक्ट मिलते हैं, यानी कि ये एक हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, ये तो नहीं होगा, इसका हैंड होगा हमारा ऑब्जेक्ट। कोई बंदा अगर इसको पुश कर रहा है, सो हैंड इज एन ऑब्जेक्ट और ये तो एक ऑब्जेक्ट है ही। ठीक है, तो अगर दोनों ऑब्जेक्ट्स में इंटरेक्शन हो रहे हैं, दैट मीन्स आपका फोर्स जनरेट हो रहा है। ठीक है, आने वाले स्लाइड्स में हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखेंगे जिसको आपको पता चलेगा कि बिना कांटेक्ट के भी आपके फोर्सेस हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर मैं किसी चीज़ को पकड़ के ही उसको पुश करूँ तो वो मूव होगा, नहीं। वो कोई कोई चीज़ को आप बिना छुए भी उसको आप मूव कर सकते हैं, ये जादू नहीं है, ये साइंस है, पढ़ेंगे पढ़ेंगे। अब देखो कि फोर्स हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो ये सारे पॉइंट्स आप याद रखना कि अगर आपको पूछता है कि फोर्स क्या है, तो आप ये सारी चीज वहां पे पॉइंट बाय पॉइंट लिख सको, एंड मार्क्स जितने से जितना आप ले सको उतना मार्क आप ले लो। ठीक है, तो फोर्स हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या है? देखो, अगर हम फोर्स का फॉर्मूला देखे या फिर यूनिट देखे, फोर्स का यूनिट होता है किलो न्यूटन। इसको बोलते हैं हम मैग्नीट्यूड, यानी कि कितना फोर्स आप डाल रहे हो। अगर मैं ये बोल रहा है कि 50 किलो न्यूटन का फोर्स लग रहा है, दैट मीन्स वो किलो न्यूटन क्या है, वो मैग्नीट्यूड है। टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड अगर लग रहा है, ये जो डायरेक्शन है, ये तो हमारा डायरेक्शन है। तो ये देखो, अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे इसके ऊपर 10 किलो न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो ये हो गया मैग्नीट्यूड। किस डायरेक्शन पे लग रहा है, तो वो डायरेक्शन भी हमको पता है, बिकॉज ये यहाँ पे पॉइंट हो रहा है। ठीक है, तो इसके पास, फोर्स के पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है, ठीक है, और डायरेक्शन भी होता है। अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, तो क्या हम उसको स्केलर क्वांटिटी बोलेंगे या वेक्टर क्वांटिटी बोलेंगे, ये आप कमेंट में जरूर बताना। ठीक है, स्केलर किसको बोलते हैं, वेक्टर किसको बोलते हैं, आपने पढ़ा तो होगा आई एम श्योर। तो ये जो फोर्स है, ये आपके स्केलर क्वांटिटी में आएगा या वेक्टर क्वांटिटी में, क्योंकि इसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है, तो ये कौन से साइड में आएगा, ये आपके वेक्टर के साइड में आएगा या फिर आपके स्केलर के साइड में आएगा, मुझे कमेंट में जरूर बताओ। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि द स्ट्रेंथ ऑफ ए फोर्स इज एक्सप्रेस्ड इन मैग्नीट्यूड। ये तो हमने पढ़ ही लिया कि स्ट्रेंथ बताता है ये हमें, ठीक है, जितना ज्यादा स्ट्रेंथ होगा, जितना ज्यादा वैल्यू होगा, उतना ज्यादा स्ट्रेंथ होगा। अगर मैं बोल रही हूँ कि 40 किलो न्यूटन का मैं फोर्स दे रही हूँ, तो वो कम है ना एज कम्पेयर टू 50 किलो न्यूटन। तो किसका ज्यादा है, 50 किलो न्यूटन का आपका स्ट्रेंथ ज्यादा है। दैट इज आवर दिस पॉइंट, दैट द स्ट्रेंथ ऑफ ए फोर्स इज एक्सप्रेस्ड इन मैग्नीट्यूड। फोर्स ब्रिंग्स अबाउट ए चेंज इन द डायरेक्शन और स्टेट ऑफ मोशन इन ए बॉडी। तो देखो, दो स्टेट ऑफ मोशन हो सकते हैं बॉडी के, एक तो इधर वो रेस्ट में हो सकता है, नहीं तो वो मोशन में हो सकता है। ठीक है, इट कैन बी इधर इन रेस्ट स्टेट ऑफ मोशन और इन, मतलब वो मूव कर रहा है, रेस्ट कर रहा है या फिर मूव कर रहा है। अब देखो, ये मोबाइल अभी रेस्ट कर रहा है, लेकिन अभी अभी ये मूव कर रहा है, अभी ये मूव कर रहा है। आप साइकिल चला रहे हो, ठीक है, साइकिल चला रहे हो, दैट मीन्स यू आर इन अ स्टेट ऑफ मोशन। अगर आप ब्रेक मारते हो, व्हेन यू अप्लाई ब्रेक, यू कम इन टू द स्टेट ऑफ रेस्ट। ठीक है, दैट इज अवर रेस्ट एंड मोशन, ये दोनों ही आपके होते हैं स्टेट ऑफ मोशन ऑफ ए बॉडी। ठीक है, तो देखो, मैंने बताया आपको कि कई सारे हमारे टाइप्स होते हैं फोर्स के। तो किसी ने हमारा एक ये किया था, क्या किया था, जो एप्पल गिरा था ना, उसी से उन्होंने कुछ एक फोर्स आविष्कार किया था। क्या आप बता सकते हो कि वो कौन थे जिन्होंने हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स को इन्वेंट किया था, वो कौन थे, उनका नाम क्या था, मुझे कमेंट में ये इसका आंसर भी चाहिए। तो कमेंट में दो चीज़ें मुझे चाहिए, एक हो गया कि आपका क्या फोर्स आपका स्केल है या वेक्टर है, दूसरा हो गया हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स किन्होंने, किसने इन्वेंट किया था।
ठीक है। तो अब देखो टाइप्स ऑफ फोर्सेस, एक होता है आपका फ्रिक्शन फोर्स, एक होता है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ये किसने इन्वेंट किया था मुझे आप लोग बताओगे। एक होता है आपका मैग्नेटिक फोर्स। तो देखो फ्रिक्शन फोर्स की अगर हम बात करें, जैसे ये स्केटिंग वाला एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिया है, ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, ये जो यहाँ किसके ऊपर स्केटिंग कर रहा है, ये आइस के ऊपर स्केटिंग कर रहा है, ये स्केटबोर्ड है और ये है हमारा आइस, ठीक है। तो दोनों के यहाँ पे फ्रिक्शन हो रहा है तभी वो चीज मूव कर रहा है, तो इसको हम बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शन की वजह से जो फोर्स होता है उसको हम बोलेंगे फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शन के बारे में डोंट वरी, अगर आप कंफ्यूज हो तो फ्रिक्शन के बारे में भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। अभी याद रखना कि फ्रिक्शन की वजह से, जब फ्रिक्शन, मैं अभी आपको ही बता देती हूँ कि हम जो चल रहे हैं ना, चल रहे हैं, और अगर हम हमारा पैर स्लिप हो जाता है, ठीक है, और हम गिर जाते हैं, पैर स्लिप क्यों हो जाता है, बिकॉज फ्रिक्शन नहीं होता है तभी पैर आपका स्लिप होगा। अगर फ्रिक्शन है तो आपका पैर नहीं स्लिप होगा, समझ रहे हो। फ्रिक्शन अगर चला जाता है दैट मीन्स वो कॉन्टैक्ट छूट जाता है, तब आपका जो होता है आप फॉल होते हो, दैट मीन्स आपका फ्रिक्शनल फोर्स हट जाता है। लेकिन जब तक आप कॉन्टैक्ट में होते हो ग्राउंड के साथ, दैट मीन्स वो फ्रिक्शन बनाया रहता है एंड आप स्टेडीली मूव कर पाते हो। और एक एग्जाम्पल हम लेंगे गाड़ियों का, जब दो गाड़ियाँ मूव हो रही है ना रोड्स के ऊपर, तो ऐसा होता है, ऐसा भी होता है कि वो स्किड हो जाता है। स्किड का मतलब समझते हो, वो खिसक जाता है, थोड़ा सा ऐसे टायर आपका ऐसा घूम जाता है, दैट इज बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन अगर हट जाता है तो वो स्किडिंग के चांसेस आपके वहां पे होते हैं। ओके, सो समझ में आया फ्रिक्शन अभी। तो इसको फ्रिक्शन की वजह से जो फोर्स होता है उसे हम बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। दूसरा है ग्रेविटी। अगर ग्रेविटी नहीं रहेगा, ठीक है, हम चल पा रहे, हमारा जो अर्थ है दैट इज राउंड इन शेप, आवर अर्थ इज स्फेरिकल इन शेप, ये एक पूरा स्पीयर है, तो ऐसा क्यों हो रहा है कि हम यहाँ पे भी चल सकते हैं, मैं यहाँ पे अगर चलना चाहूँ तो भी मैं चल सकती हूँ, मैं यहाँ पे ऐसा चलना चाहूँ तो भी मैं चल रही हूँ, मैं गिर नहीं रही हूँ। क्या आप एक बॉल के ऊपर चल पाओगे, नहीं चल पाओगे ना, आप तो गिर ही जाओगे ऑब्वियसली। लेकिन तो अर्थ भी तो एक बॉल है, उसके ऊपर हम चल कैसे पा रहे हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। वही होता है ग्रेविटी जो वो हमको पकड़ के रखा। अब देखो जब हम स्पेस में जाते हैं, आप वीडियो तो देखे होंगे कि जो लोग स्पेस में जाते हैं वो ऐसे उड़ते हैं, राइट, वो चल नहीं पाते, क्योंकि जितना दूर आप अर्थ से जाओगे आपका ग्रेविटी, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, वो डिक्रीज होता जाएगा, सो वो आप वहां पे चल नहीं पाओगे। इसीलिए स्पेस में लोग उड़ते हैं, पर अर्थ में हम चलते हैं, बिकॉज हमारे पास क्या है, हमारे पास ग्रेविटी है, हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसीलिए हम चल पा रहे हैं ये राउंड बॉल के ऊपर, ठीक है। तीसरा है मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेट्स के साथ आप खेले तो हो गए ही, तो अगर ये आयरन है, ये मैग्नेट है, तो ये मैग्नेट ये आयरन को खींचेगा, तो बिना कांटेक्ट हुए भी एक फोर्स हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये तो ये देखो आप फ्रिक्शन फोर्स क्यों होते हैं, कांटेक्ट होगा तभी आपका फ्रिक्शनल फोर्स होगा। ग्रेविटी की भी यहाँ पे ये कांटेक्ट है नहीं है वो हम देखेंगे बाद में। मैग्नेटिक तो देखो ये तो हो गया आपका नॉन कांटेक्ट फोर्स, ठीक है, यानी कि यहाँ पे हमें कांटेक्ट होने की जरूरत नहीं है फोर्स के लिए, वो मैग्नेट का प्रॉपर्टी है कि वो खींचेगा ही खींचेगा दूसरे मैग्नेट को, या फिर कोई आयरन, कोई भी मेटल को वो खींचेगा, बिकॉज उसके पास वो मैग्नेटिक पावर है, वो मैग्नेटिक फोर्स है, तभी वो खींच रहा है, इट इज पुलिंग एन ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट। सो ये हो गया हमारा मैग्नेटिक फोर्स। ये तो हो गया हमारा सिंपल अप्लाइड फोर्स। जैसे हमने स्टार्टिंग से देखा कि एक बंदा ढकेल रहा है एक बॉक्स को, तो हम अप्लाई कर रहे हैं, हम फोर्स को अप्लाई कर रहे हैं उस बॉक्स के ऊपर, तो दैट इज अवर अप्लाइड फोर्स। बुयंट फोर्स क्या होता है, हॉट एयर बलून्स देखे हो, ऐसे होते हैं हमारे हॉट एयर बलून्स, ठीक है, तो दैट वो बैलून कैसे मूव करते हैं बिकॉज ऑफ दिस बुयंसी, इसके बारे में हम हायर क्लासेस में जरूर पढ़ेंगे। फिर है टेंशन फोर्स। अच्छा टेंशन क्या होता है कि ये देखो खेले हो ना टग ऑफ वॉर खेले हो, एक ग्रुप ऑफ पीपल के रस्सी को पकड़े होंगे एक एक साइड पे, और एक ग्रुप पकड़ा होगा दूसरे साइड पे, ऐसे वो खींच रहे होंगे, ठीक है, दे आर पुलिंग, दे आर पुलिंग द रोप। तो इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में ये आपका,
यहाँ पे खींच रहा है, ये आपका इस साइड पे खींच रहा है, तो इस साइड में क्या हो रहा है, इस साइड में, दोनों साइड में हमारा हो रहा है टेंशन फॉर्म हो रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि एक होता है आपका टेंशन फोर्स, यानी कि ये वाला, जब एक दूसरे मतलब एक दूसरे जो क्या कर रहे हैं अपनी ओर वो खींच रहे हैं, ठीक है। सो इफ टू पर्सन आर पुलिंग इट टुवर्ड्स ईच अदर, सो दैट इज कॉल्ड टेंशन। कंप्रेशन इसका उल्टा होगा, तो जब हम एक किसी चीज को दबाते हैं तो उसको हम बोलते हैं कंप्रेशन, ओके। सो ये जो आपका यहाँ पे ये वाला चीज जो हो जाएगा दैट इज कंप्रेशन। तो एक एग्जाम्पल आप देखो, तो ये जो है हमारा ब्लूटूथ है, ठीक है, और यहाँ पे हम अगर मैं ये कर रही हूँ ना, इसको मैं अगर मैं दबा रही हूँ, सो दिस इज कॉम्प्रेशन। अगर इस साइड से दबाऊँ सो हम ऐसे दबा रहे हैं, कंप्रेस कर रहे हैं, चारों ओर से अगर मैं दबाने की कोशिश करूँ सो चारों ओर से हम इसको कंप्रेस कर रहे हैं। टेंशन क्या हो जाएगा जब हम इसको खींचेंगे, इफ़ यू आर पुलिंग इट, एक हाथ मेरा इसको लेफ्ट हैंड साइड के डायरेक्शन में पुल कर रहा है, एक इसको राइट हैंड के डायरेक्शन में पुल कर रहा है, सो ये टेंशन यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, सो दिस इज टेंशन फोर्स एंड इसको हम बोलेंगे कॉम्प्रेशन। तो समझ में आ गया कि कॉम्प्रेशन और टेंशन किसको बोलते हैं, वेरी गुड। तो चलो फिर दूसरा हमारा यहाँ पे है ड्रैग फोर्स। जब आप पारा सेलिंग करते हो या फिर ऐसा कुछ जो हवा में हम उड़ते हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं कि हम खुद को ड्रैग करते हैं। अच्छा, इसकी बात छोड़ो, जब आप आपका गाड़ी खराब हो जाता है तो एक टोइंग मशीन आता है जो आपकी गाड़ी को खींच के ले जाता है, बिकॉज आपकी गाड़ी तो रनिंग कंडीशन में होती नहीं है, वो चल नहीं पा रही है, तो उसको हम रोप की मदद से एक दूसरे गाड़ी के साथ या फिर एक मशीन के साथ उसको हम टाई कर लेंगे, एंड देन वो आपकी गाड़ी को ऐसे खींच के ले जाता है, वो टो करके ले जाता है, सो वो उसको ड्रैग करके ले जाता है, करेक्ट। सो दैट इज ड्रैग फोर्स। और ये तो हो गया आपका स्प्रिंग फोर्स, जैसे आप यहाँ पे हैं कि एक एक खिलौना है और उसमें स्प्रिंग लगा हुआ होता है, तो जब आप उसको ओपन करते हो तो स्प्रिंग की मदद से वो फोर्सफुली निकल आता है बाहर, तो वो हो गया हमारा स्प्रिंग फोर्स, क्लियर। सो नाउ यू सी फ्रिक्शन फोर्स की अगर बात हम डिटेल में करें, सो इट इज द फोर्स दैट ओपोजेस द रिलेटिव मोशन बिटवीन टू फोर्सेस टू सर्फेसेस। तो आप देखो जैसे यहाँ पे इसका फ्रिक्शनल फोर्स चला, ये आपका फ्लोर है और ये आपका बॉक्स है और कोई आदमी इसको यहाँ पे खींच रहा है, ठीक है, बट यहाँ पे आपका जो फ्रिक्शनल फोर्स है ना वो लग रहा है, ठीक है। तो फोर्स क्या, फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, दैट अपोजेस द रिलेटिव मोशन, वो अपोज करता है आपका मोशन को बिटवीन टू फोर्सेस। तो मैंने आपको बताया ना कि आप फिसलते कब हो, जब आपका फ्रिक्शन नहीं होता, तो सेम चीज आप यहाँ पे ही है, ठीक है। तो इट एक्ट्स बिटवीन द सरफेस ऑफ द टू बॉडीज इन कॉन्टैक्ट, ओके। सो ये आप यहाँ पे आप देख रहे हो कि फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पे लग रहा है, लेकिन यहाँ पे ये अपना फोर्स लगा रहा है, तो वो मूव यहाँ पे हो रहा है, ओके। तो फ्रिक्शन अगर नहीं होता तो ये इसके साथ कॉन्टैक्ट में ही नहीं होता, इन दोनों के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है तभी ये इसके ऊपर मूव हो रहा है, नहीं तो वो उलट जाता ना, ऐसे रोटेट हो जाता, समझ रहे हो। यस, तो देखो हमने बात कर ली बहुत सारे टाइप्स ऑफ फोर्सेस के बारे में, तो इनमें से मैंने आपको बताया कि दो तरह के फोर्सेस हो सकते हैं, एक होता है आपका कॉन्टैक्ट फोर्स, एक होता है आपका नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है। तो जो हमारा फ्रिक्शनल फोर्स, जब जो हमने पढ़ा फ्रिक्शनल फोर्स हो गया या फिर मस्कुलर फोर्स हो गया, तो वो आएंगे आपके कॉन्टैक्ट फोर्स के अंदर में। क्या क्या आएंगे, मस्कुलर फोर्स आएगा और फ्रिक्शनल फोर्स आएगा। अच्छा, मस्कुलर फोर्स क्या है, मसल्स होते हैं ना हमारे बॉडीज में, है ना, तो मसल्स जब यूज होते हैं किसी फोर्स को इम्प्लाई करने के लिए, फोर्स को अप्लाई करने के लिए, तो उसको हम बोलते हैं मस्कुलर फोर्स। तो अगर मैं आपको एक ऐसे किक मारूं या फिर ऐसे पंच मारूं, तो मैं क्या कर रही हूँ, अपने मसल्स के पावर से मैं आपको फोर्स, मतलब एक फोर्स दे रही हूँ, तो दैट इज मस्कुलर फोर्स, ठीक है। जो बॉक्सिंग वगैरह होता है वहाँ पे मस्कुलर फोर्स की ये वहाँ पे नीड होती है। और एक तो फ्रिक्शनल फोर्स हमने पढ़ लिया, तो अभी आपको ये भी क्लियर है कि इसके लिए भी, मस्कुलर फोर्स के लिए भी एक कांटेक्ट चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ये बॉडी होगा तभी ना मैं इसके ऊपर अपना मसल का फोर्स दे सकती हूँ,
राइट. सो दिस इज मस्कुलर फोर्स. फ्रिक्शन कब होगा? जब दो बॉडीज कॉन्टैक्ट में होंगे तब भी फ्रिक्शनल फोर्स जनरेट होगा. तो ये हो गया आपके कॉन्टैक्ट फोर्सेस. नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस कब होंगे? जब वो कांटेक्ट में नहीं आएंगे. तो पहले तो आप देख लो कि यहाँ पे देखो ये दोनों कांटेक्ट में है, इसलिए ये आपका कांटेक्ट फोर्सेस हो गया. ये पुल कर रहा है, सो दिस इज कांटेक्ट. ये एक पत्थर को पुश कर रहा है, सो दिस इज अ कांटेक्ट फोर्स. वेयर इज अगर हम नॉन कांटेक्ट फोर्सेस की बात करें, तो जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था एक मैग्नेटिक फोर्स का, कि वो बिना कॉन्टैक्ट में आए भी आपके पार्टिकल्स को अपनी तरफ खींचता है. सो दैट इज मैग्नेटिक फोर्स एंड इट इज ए नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी एक है. अगर आप एक कॉम को किसी सिल्क क्लॉथ के साथ अगर आप ऐसे घिस लो ना, तो उसके अंदर ना कुछ वो बॉडी वो कॉम जो है वो चार्ज हो जाएगा, और चार्ज्ड पार्टिकल्स ना कुछ दूसरे पार्टिकल्स को अपनी तरफ से अट्रैक्ट करेंगे. तो वो कांटेक्ट में नहीं आ रहे. अगर आप वो चार्ज्ड बॉडी को किसी दूसरे बॉडी के पास ले आओगे, तो ऑटोमेटिकली उसका चार्ज अपनी तरफ लेने की कोशिश करेगा, तो वो यहाँ पे खींचेगा. ठीक है, आई थिंक आप इसके बारे में भी हायर चैप्टर्स में ज़रूर पढ़ोगे. एक आपका है नेचुरल फेनोमेना चैप्टर जो है, उसमें ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपको बताया गया है. लेकिन फिलहाल आप ये जान लो कि ये जो चार्ज्ड बॉडी है, जैसे यहाँ पे हमारा ये जो कॉम है, ये एक हो गया चार्ज्ड बॉडी. तो ये अगर चार्ज एक्वायर करेगा, तो यहाँ पे अगर आप कुछ पेपर की छोटे छोटे पेपर्स रख देते हो, तो ये जो है वो जाके कॉम में अटक जाएगा. इट विल गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द कॉम. सो यहाँ पे हो जाएगा आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. एंड ये है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स. तो क्या ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए कॉन्टैक्ट की जरूरत होती है? नहीं, आपको अर्थ खींच रहा है. ओके, आपको अर्थ खींच रहा है. आप ऊपर से नीचे ही क्यों गिरते हो? एप्पल ऊपर से नीचे क्यों गिरता है? तो कॉन्टैक्ट की वजह से गिरा क्या? नहीं, वो ग्रेविटी के फोर्स से गिरा. समझ रहे हो? दिस इज ऑल्सो ग्रेविटेशनल फोर्स इज ए नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. तो कॉन्टैक्ट फोर्स क्या क्या हो गए हमारे? कॉन्टैक्ट फोर्स हो गया दो. वन इज योर मस्कुलर फोर्स एंड सेकेंड इज योर फ्रिक्शनल फोर्स. ओके, एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में आपके आ जाएंगे यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स. जहाँ पे कॉन्टैक्ट की जरूरत नहीं होती है, ठीक है, एक दूसरे का सपोर्ट नहीं होता है, एक दूसरे की कॉन्टैक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है, दोज आर कॉल्ड योर नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस. फोर्सेस दैट डू नॉट नीड ए कॉन्टैक्ट और दैट हैव दैट इंफ्लुएंस विदाउट अ टच. बिना टच किए भी आप उस पर फोर्स डाल सकते हो. तो दोज आर कॉल्ड योर नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस. तो अब बात करते हैं बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स के बारे में. तो यहाँ पे आप ये इमेज देखो, ये इस गेम को क्या बोलते हैं हम? इसको बोलते हैं हम टग ऑफ वॉर. तो इसमें क्या हो रहा है देखो, ये मैंने बताया कि फोर्स का आपका किसमें हम उसका स्ट्रेंथ देखते हैं? फोर्स का मैग्नीट्यूड में. और वो मैग्नीट्यूड क्या होता है? किलो न्यूटन में होता है ना. तो यहाँ पे देखो 300 किलो न्यूटन हो यहाँ पे न्यूटन है, तो कंफ्यूज मत होना. न्यूटन इज ऑल्सो सम पार्ट ऑफ किलो न्यूटन है ना, या फिर किलो न्यूटन इज ऑल्सो सम पार्ट ऑफ न्यूटन. तो किलो न्यूटन हो कुछ भी हो, सो यहाँ पे 300 न्यूटन का फोर्स पड़ रहा है. ये लोग, ये जो तीन मेंबर्स हैं यहाँ पे, ये 300 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं और इसको पुल कर रहे हैं. और यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे भी ये लोग 300 न्यूटन का फोर्स लगा के इसको पुल कर रहे हैं. किसको? ये रोप को. ठीक है, ये रोप को ये लोग पुल कर रहे हैं. दोनों इक्वल फोर्सेस दे रहे हैं. ये भी 300 न्यूटन दे रहे हैं, ये भी 300 न्यूटन दे रहे हैं. तो इक्वल फोर्स में क्या होगा? वो चीज मूव नहीं होगी, राइट. तो अगर जैसा मैंने आपको टेंशन फोर्स के बारे में बताया, तो अगर मैं इसका ही एग्जाम्पल लेते हम ये ब्लूटूथ का, तो आप देखो ब्लूटूथ डिवाइस का, तो इसको अगर मैं राइट साइड में भी मैं 10 किलो न्यूटन फोर्स दे रही हूँ, लेफ्ट साइड में भी मैं 10 किलो न्यूटन फोर्स दे रही हूँ, तो क्या ये मूव हो रहा है? ये नहीं मूव हो रहा, क्योंकि दोनों साइड्स में इक्वल फोर्स दे रही हूँ.
अगर मैं लेफ्ट साइड में या फिर आपके राइट लेफ्ट मुझे नहीं पता चल रहा है, पर ये जो आप इस साइड में देख रहे हो, ठीक है, ये वाला साइड, अगर इस साइड में मैं इसको ज़्यादा फोर्स दे रही हूँ और इस साइड में मैं इसको कम फोर्स दे रही हूँ, तो मैं इधर चली जाऊँगी, मतलब ये वाला जो मेरा हैंड है वो इस तरफ चला जाएगा, बिकॉज इस हैंड में मैं ज़्यादा फोर्स दे रही हूँ क्यों, और ये बैलेंस नहीं हो रहा है। सिमिलरली अगर मैं इस हैंड में ज़्यादा फोर्स दूँ तो ये ऐसा मूव हो जाएगा। तो जिस डिरेक्शन में आप फोर्स ज़्यादा देते हैं उस डिरेक्शन में मूव होता है, लेकिन अगर फोर्स बैलेंस हो जाता है दोनों तरफ देन वो बॉडी आपका मूव नहीं होता है। इस केस में आप देखो कोई भी मूवमेंट नहीं है, देर इज नो मूवमेंट। बट इस केस में देखो क्या हो रहा है, इस केस में ये लोग 400 न्यूटन का फोर्स दे रहे हैं, ठीक है, अपनी तरफ खींच रहे हैं, पुल कर रहे हैं, और इस साइड में जो बंदे हैं ये लोग 300 न्यूटन फोर्स दे रहे हैं अपनी तरफ। तो किन किन का फोर्स ज्यादा है, इनका फोर्स ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस। तो क्या हो जाएगा कि ये जो मूवमेंट है वो इस डायरेक्शन में हो जाएगा, जिस डायरेक्शन में आपका फोर्स ज्यादा होगा, फोर्स का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, उस डायरेक्शन में आपका मूवमेंट होगा। ओके, तो ये लोग क्या है, ये लोग गिर जाएंगे क्योंकि ये लोग इतना फोर्स नहीं डाल रहे हैं, इनसे कम फोर्स डाल रहे हैं। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस। सो बैलेंस्ड फोर्सेस किसको बोलेंगे, व्हेन टू और मोर फोर्सेस एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट आर इक्वल इन ऑल डायरेक्शंस। सो एक बॉडी है, इस डायरेक्शन में भी मैं इसको 10 किलो न्यूटन लोड दे रही हूँ, मतलब फोर्स दे रही हूँ, इस डायरेक्शन में भी मैं इसको 10 किलो न्यूटन का फोर्स दे रही हूँ, तो ये कोई भी मूवमेंट नहीं देगा, देर विल बी नो मूवमेंट। वेर एज अगर यहाँ पे एक बॉडी है, इस साइड में मैं इसको 10 किलो न्यूटन फोर्स दे रही हूँ और इस साइड में मैं इसको 20 किलो न्यूटन फोर्स दे रही हूँ, ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, पुश कर रही हूँ, यहाँ पे भी मैं पुश कर रही हूँ, लेकिन ये इमेज जो है यहाँ पे ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग पुल कर रहे हैं, डिफरेंस देख रहे हो। तो अगर मैं पुश कर रही हूँ और पुश करने में यहाँ पे इस डायरेक्शन में आपका मैग्नीट्यूड ज्यादा है इस साइड में, तो आपका बॉडी जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, वो यहाँ के डायरेक्शन में पुश होगा, ये भी उसका 10 किलो न्यूटन है जो उसको रोक नहीं पाएगा क्योंकि इस साइड में आपका फोर्स का मैग्नीट्यूड ज्यादा है। आर यू गेटिंग इट? आई थिंक टेक्निकल हो गया, बट स्टिल ये समझो कि जितना आपका फोर्स ज्यादा होगा, जिस डायरेक्शन में आपका फोर्स ज्यादा होगा उस डायरेक्शन में आपका मूवमेंट होगा, बट प्लीज रिमेम्बर कि वो पुल हो रहा है या पुश हो रहा है। ओके, चलो अब बात करेंगे हम प्रेशर के बारे में। तो फोर्स का जितना भी है वो हमने पढ़ लिया, ठीक है, आई होप आप क्लियर हो अभी फोर्स से, टाइप्स ऑफ फोर्सेस हमने पढ़ लिए, कॉन्टैक्ट है, नॉन कॉन्टैक्ट है, कॉन्टैक्ट में कौन कौन से फोर्सेस आएंगे, नॉन कॉन्टैक्ट में कौन से फोर्स आएंगे, और आपका ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है और मैग्नेटिक फोर्स क्या है वो भी हमने पढ़ लिया, बैलेंस फोर्स क्या है, अनबैलेंस फोर्स क्या है वो भी हमने पढ़ लिया, और हमने ये भी पढ़ा कि फोर्स का जो है वो मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होता है। सो फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, इसको हम बोलते हैं प्रेशर। दैट मीन्स आपके फोर्स का और प्रेशर का कुछ ना कुछ यहाँ पे रिलेशन तो है ही ना, इसीलिए आपके चैप्टर में ये टॉपिक भी है, फोर्स एंड प्रेशर, बिकॉज दे हैव रिलेशन विथ ईच अदर। अगर इनके आपस में रिलेशन होते नहीं तो वह एक चैप्टर में कंबाइन नहीं होते, राइट? तो देखो हमने क्या पढ़ा था कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर हम एक फोर्स दे रहे हैं तो वो मूव होगा, ठीक है, अगर हम फोर्स दे रहे हैं तो वो मूव होगा, तो इस ऑब्जेक्ट का कुछ मास तो होगा ही, राइट? कुछ मास होगा तभी वो मूव होगा, क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला आपको पता है कि फोर्स होता है आपका मास इनटू एक्सीलरेशन, ठीक है, एक्सीलरेशन यानी कि मूवमेंट। तो अगर किसी बॉडी का मास है और फोर्स दे रहे हो तो वो एक्सीलरेट करेगा। सो एफ इज इक्वल्स टू एम इंटू ए, ये हो गया आपका फोर्स का फॉर्मूला। तो अगर हम प्रेशर की बात करें तो प्रेशर का फॉर्मूला है ये, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपन एरिया। सिंपल टर्म्स में समझो, हम बोलते हैं कि एग्जाम आने वाला है तो हमारे ऊपर प्रेशर आ जाता है, राइट? घर वालों से प्रेशर, स्कूल टीचर्स से प्रेशर, सबसे प्रेशर आ जाता है एंड हम प्रेशर में चले जाते हैं,
हम स्ट्रेस में चले जाते हैं कि हमको बेटर परफॉर्म करना है, हमारे ऊपर ये प्रेशर आ जाता है, राइट। इसीलिए जनरली पेरेंट्स को आप बोलते सुनो सुने होंगे कि इस पे ज़्यादा प्रेशर मत डालो, यानी कि इसको चारों ओर से दबाओ मत, चारों ओर से इसके ऊपर फोर्स मत डालो, क्योंकि जब फोर्स आएगा ना तो प्रेशर जनरेट होगा। देखो कि अगर मानो ये आपका एक बॉडी है, तो यहाँ पे ना चारों ओर से आपका फोर्स दे रही हूँ मैं, ठीक है। ग्रेविटी का फोर्स, ये जो आप फोर्स दिख रहे हो, ये आपका ग्रेविटेशनल फोर्स मानो कि यहाँ पे हमारा पड़ रहा है। ग्रेविटी का हो, कुछ भी फोर्स हो, हम दे रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम फोर्स दे रहे हैं तो इसके अंदर से कुछ चीज़ें इसको रिफ्लेक्ट करेगी, वो फोर्स के कारण वो चीज़ें उभर के आएगी, तो वो होता है प्रेशर, ठीक है। तो जितना आप फोर्स दोगे उतना वो प्रेशर देगा, तभी वो मेंटेन होगा, और अगर प्रेशर ज़्यादा हो गया तो वो फट जाएगा, समझ रहे हो चीज़। तो बोलता ना, अरे मेरे ऊपर इतना प्रेशर मत डालो यार, मैं फट जाऊँगा, मतलब मैं इतना सहन नहीं कर सकता, मेरी एक कैपेबिलिटी है, मेरी एक लिमिट है जब तक मैं प्रेशर ले सकता हूँ, ओके। सो दैट इज, जब तक आप वो फोर्स दोगे तो वो प्रेशर जनरेट होगा। तो ये फॉर्मूला हमारा क्या है, प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपन एरिया। तो यहाँ पे एरिया का बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है, क्योंकि ये है पी, यहाँ पे इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए है, यानी कि एरिया बढ़ेगा तो आपका क्या है, प्रेशर घटेगा, एरिया बढ़ेगा प्रेशर घटेगा, ये हम नेक्स्ट लाइन में बात करेंगे। तो यहाँ पे देखो फोर्स का जो SI यूनिट था वो क्या था, किलो न्यूटन था, और यहाँ पे प्रेशर का SI यूनिट होगा पास्कल, ठीक है, ये आप याद रखना। तो जैसा मैं बता रही थी कि एरिया के ऊपर आपका डिपेंड करेगा, सो पी इज इक्वल्स टू एफ अपन ए, यानी कि पी जो है आपका इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए है। दैट मीन्स अगर आपका ये एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा, अगर एरिया घटेगा तो प्रेशर बढ़ेगा। यानी कि देखो ये मेरा माउस है, ठीक है, इसका एरिया ज़्यादा है, राइट, और ये मैंने पेन का कैप ले लिया है, इसका एरिया कम है, इसका सरफेस एरिया ज़्यादा है, इसका सरफेस एरिया कम है। तो अगर मैं यहाँ पे एक फोर्स दे रही हूँ, तो इसमें मैं कैसे बताऊँ आपको, देखो अगर मैं इस पे ऐसे फोर्स दे रही हूँ और इस पे भी ऐसे ही फोर्स दे रही हूँ, ठीक है, तो प्रेशर किस में ज़्यादा फील होगा, इसमें ज़्यादा फील होगा, ये नहीं ले पाएगा, ये देखो ये मूव हो जाएगा, ये इतना नहीं ले पाएगा, इसमें इतना प्रेशर कोई मतलब कुछ इतना फर्क नहीं पड़ेगा, अगर मैं ऐसे प्रेशर डालूँ तो ये फर्क पड़ेगा, लेकिन मैं ये इतने बड़े एरिया पे इतना छोटा सा मैं यहाँ पे फोर्स डालूँ तो यहाँ पे कुछ इफेक्ट नहीं होगा। दैट मीन्स जितना आपका एरिया कम होगा ना उसमें उतना ही प्रेशर होगा, जितने छोटे बच्चे होंगे उस उतना ही प्रेशर होता है, बड़े होते जाओ तो आपका प्रेशर घट जाता है, समझे। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस। तो आप देखो कि यहाँ पे भी देखो फोर्स सेम है, यहाँ पे भी मैं इस एक फिंगर से मैं इसको फोर्स दे रही थी, राइट। तो यहाँ पे फोर्स हमारा सेम है, लेकिन एरिया देखो यहाँ पे इतना छोटा सा, ये शार्प नाइफ का जैसे, शार्प नाइफ का जो एरिया होता है एकदम छोटा सा वो है, और ये आपका देखो लार्ज एरिया है, ठीक है। तो जितना आपका एरिया कम होगा उस पे उतना ज़्यादा प्रेशर होगा, प्रेशर विल बी मोर अगर एरिया लेस है, अगर आपका एरिया लार्ज है तो प्रेशर इज लेस, क्योंकि देखो अगर अगर हम ये एक रूम है ना, तो एक रूम में एक बड़ा सा रूम है और आप चार लोग हो गए, ठीक है, तो कोई यहाँ सो सकता है, कोई वहाँ सो सकता है, लेकिन एक छोटा सा रूम है उसमें 10 लोग आप सोओगे तो बहुत ही कंजेस्टेड हो जाएगा, तो उसमें प्रेशर थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, समझ रहे हो। इसीलिए ऑलवेज रिलेट टू दिस दैट पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए, दैट मीन्स इफ योर ए विल बी मोर तो प्रेशर विल बी लेस, ओके, इफ प्रेशर इफ एरिया विल बी लेस देन प्रेशर विल बी मोर, ठीक है।
So force acting on a smaller area applies more pressure than the same force acting on the larger area. Examples: potters place a round cloth on their heads to increase the surface area and reduce pressure. ये क्या example है देखो, जो हमारे होते हैं ना, जो street कोई अगर हमारा क्या बोलते हैं उसको, कुंभ मेला टाइप का कुछ अगर हमारे यहाँ पे मेला वगैरह आता है, तो इस केस में क्या होता है कि कई लोग परफॉर्म करने के लिए आते हैं और वो ऐसे अपने सिर पे जो है वो मटकी ऐसे रखते हैं, राइट। लेकिन वो डायरेक्ट अपने सिर पे नहीं रखते, वो सिर पे अपना क्या करते हैं, एक क्लॉथ होता है, वो क्लॉथ को रखते हैं, उसके ऊपर रखते हैं। तो वो क्लॉथ का रखने का क्या कारण है? बिकॉज दे आर इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया। ओके, तो सरफेस एरिया जो है यहाँ पे, ये सरफेस एरिया ज़्यादा नहीं होगा, यहाँ पे अगर मैं एक क्लॉथ ऐसे राउंड राउंड करके रख दूँ तो उसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, ठीक है। तो सरफेस एरिया ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे मेरा प्रेशर जो है वो कम लगेगा, समझ रहे हो, राइट। सो ए शार्प नाइफ कट बेटर एज मोर प्रेशर इज एग्जर्टेड ओवर ए स्मॉलर एरिया। तो एक नोकीला सा आप नाइफ ले लो, उसको जस्ट ऐसे जस्ट कट कर दो तो वो कट हो जाएगा। लेकिन अगर आप एक नाइफ लोगे जिसमें कोई दाढ़ नहीं होगा, कोई मतलब वो शार्प नहीं होगा, तो उस पर हम ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करेंगे, बिकॉज दैट इज़ नॉट शार्प, उसका एरिया ज़्यादा है तो प्रेशर हमारा, सॉरी, उसका एरिया कम हो जाएगा तो हमारा प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। ये देखो, जैसे यहाँ पे ये है, तो यहाँ पे देखो एरिया हमारा ज़्यादा हो जा रहा है, राइट। सो क्या होगा, प्रेशर किसमें ज़्यादा होगा, इसमें स्मॉल एरिया है और इसमें ज़्यादा एरिया है, तो ये वाला इजीली आपका कट हो जाएगा, क्योंकि देखो पी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ए, तो लार्जर एरिया मीन्स लेस प्रेशर, तो एरिया स्मॉल है, ठीक है, और वहाँ पे जस्ट हम एक नाइफ, शार्प नाइफ रख रहे हैं, तो प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, इसीलिए इजीली कट हो जाएगा, इजीली कट हो जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि उसमें हम कम प्रेशर लगा रहे हैं, वो इजी हो जा रहा है प्रोसेस, बिकॉज एरिया कम है। अगर एरिया ज़्यादा हो जाएगा तो वो डिफिकल्ट हो जाएगा उस केस में, ठीक है, उसको काटना, ओके। सो प्रेशर एग्जर्टेड बाई लिक्विड्स एंड गैसेस, तो लिक्विड और गैस भी हमारे प्रेशर एग्जर्ट करते हैं। एग्जर्ट का माने, तो मैंने जो बताया था कि अगर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो वो प्रेशर एग्जर्ट करेगा टुवर्ड्स दैट फोर्स, ओके, अगेंस्ट दैट फोर्स, तो उसको बोलते हैं हम, एग्जर्ट का मतलब वो होता है। तो लिक्विड भी हमारा प्रेशर एग्जिट करता है और गैसेस भी प्रेशर एग्जिट करते हैं। किस केस में करते हैं, कैसे करते हैं, देखो। तो यहाँ पे देखो, अगर एक कंटेनर है, ठीक है, ये आपका एक कंटेनर है, इस कंटेनर में अगर हम यहाँ पे लिक्विड फिल करते हैं और इसको क्लोज कर देते हैं, इसको जाने का कहीं पे हम होल नहीं रखेंगे, ये देख रहे हो ना होल्स, तो यहाँ पे ये होल्स को अगर हम क्लोज कर देंगे, अगर क्लोज कर देंगे तो उस केस में यहाँ पे ना प्रेशर जनरेट होगा, है ना। वो अपना एक होता है, उनके आपस में फोर्स होता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं इंटर मॉलिकुलर फोर्सेस, ये हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। तो सॉलिड में क्या होता है, लिक्विड में क्या होता है, गैसेस में क्या होता है, किसका ज़्यादा होता है, किसका कम होता है, वो आप आगे पढ़ोगे। लेकिन अभी ये याद रखना कि ये जो प्रेशर एग्जर्ट करते हैं ना, ठीक है, तो वो लिक्विड करते हैं और वो ज़्यादा होता है कहाँ पे, वो इस बॉटम में ज़्यादा होता है, क्यों, बिकॉज प्रेशर इंक्रीजेस विथ डेप्थ। जितना एक कहीं पे भी आप जितना नीचे जाओगे, जितना डेप्थ में जाओगे, उतना आपका प्रेशर बढ़ता जाएगा। फॉर एग्जांपल देखो कि अगर मैं ये होल को खोलती हूँ तो यहाँ पे ये जो पानी का फ्लो है वो कुछ ऐसा होगा, एकदम स्लो से, स्लो प्रेशर से आपका पानी आएगा। लेकिन अगर मैं ये वाला होल अगर खोलती हूँ तो ये आप देखो स्ट्रॉन्गेस्ट जेट, यानी कि जो आपका पानी का भाव है, जो आपके पानी का जो प्रेशर है वो तेजी से आएगा, बिकॉज यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है, ओके। तो यहाँ पे दो चीज़ें आप याद रखना कि लिक्विड्स भी प्रेशर एग्जर्ट करती है, और दूसरी चीज़ क्या है कि जितना आपका डेप्थ इंक्रीज होगा उतना ही आपका प्रेशर भी इंक्रीज होगा, ठीक है। तो एक होता है एरिया,
वो तो प्रेशर के फॉर्मूला में ही है कि P इक्वल्स टू F बाय A, एरिया बढ़ेगा प्रेशर घटेगा, लेकिन ये जो है वो है डेप्थ यानी कि हाइट। ठीक है, आप ये देखो कि जब हम माउंटेन्स में जाते हैं ना, जो हाइकिंग हाइकिंग के लिए जाते हैं, तो उस केस में क्या होता है, हमको वहाँ पे ऑक्सीजन की नीड होती है, क्योंकि वहाँ पे हमारा जो प्रेशर है वो घट जाता है, एल्टीट्यूड एक आ जाता है, एक हाइट में हमारा प्रेशर घट जाता है। वैसे ही जितना आप पानी के नीचे जाओगे उतना आपको प्रेशर फील होगा, बिकॉज आप डेप्थ में जा रहे हो। ये डिफरेंस आप हमेशा याद रखना। ओके, सो द प्रेशर एग्जर्टेड बाय द फ्लूइड, इट कैन बी गैसेस और लिक्विड इन ए कंटेनर, इज ट्रांसमिटेड अनडिमिनिश्ड इन ऑल डायरेक्शंस ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर। तो ये जो कंटेनर के वॉल्स है, इस चारों वॉल्स में आप देखो कि प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है। करेक्ट, ओके। सो बच्चों, अगर अभी तक आपने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन प्लीज़ जल्दी सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, और ऐसे ही वीडियोस आते रहेंगे अगर सब्सक्राइब आप करते हो तो। ओके, तो सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो जो भी आपके 8th क्लास में है। ओके, सो चलो देखते हैं अपथ्रस्ट किसको बोलेंगे। तो अभी हम बात कर रहे थे लिक्विड्स के बारे में ना, कि लिक्विड्स ऑल्सो एग्जर्ट प्रेशर। ओके, तो अगर हम अपथ्रस्ट की बात करें तो शायद ये वर्ड आप कभी नहीं सुने होंगे, पर ये क्या होता है, इट इज द अपवर्ड फोर्स एग्जर्टेड बाय ए फ्लूइड ऑन ए ऑब्जेक्ट इज नोन एज अपथ्रस्ट या फिर ब्योयंट फोर्स। तो स्टार्टिंग में दो तीन स्लाइड्स आपको याद है जब हम बात कर रहे थे ब्योयंट फोर्स के बारे में, जो हॉट एयर बलून्स होता है उस केस में। देखो अब यहाँ पे ये है, ये आपका पानी के केस में, तो इसमें क्या होगा, देखो ये जो आप देख रहे हो कि एक फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो अपवर्ड फोर्स लग रहा है, ठीक है, ये जो इसके शिप के ऊपर जो फोर्स लग रहा है, राइट, तो इसको हम बोलते हैं ब्योयंट फोर्स। तो यहाँ पे अगर फोर्स लगेगा तो प्रेशर भी होगा। तो अगर आप सबमरीन्स का केस देखो तो वो ज़्यादा नीचे अगर जाएंगे तो वो भी चांसेस है कि दैट विल बर्स्ट, क्योंकि वो उतना प्रेशर नहीं ले सकते। ओके, तो ग्रेविटी की वजह से आपका जो है डाउनवर्ड फोर्स पड़ रहा है शिप के ऊपर, लेकिन ये अपथ्रस्ट की वजह से, ये बियॉन्ड फोर्स की वजह से आपका जो है वो अपवर्ड फोर्स पड़ रहा है शिप के ऊपर। ओके, तभी वो मूवमेंट हो रहा है। क्लियर, चलो अब बात करते हैं गैसियस प्रेशर के बारे में। तो लिक्विड भी एग्जर्ट करते हैं प्रेशर, ये तो हमने पढ़ा, तो गैसेस कैसे प्रेशर एग्जर्ट करते हैं, तो ये आप एग्जांपल ले लो एक बलून का। ठीक है, तो बलून में क्या होता है, आप हवा देते हो, आप जब बलून को फुलाते हो आप हवा दे रहे हो, तो उसके बलून के अंदर क्या होता है, प्रेशर जेनरेट होता है, और एक ऐसा पॉइंट आ जाता है जब वो फट जाता है। तो वो किस पॉइंट पे फटता है, जब वो प्रेशर संभाल नहीं पाता। क्लियर, तो यहाँ पे जो देख रहे हो ये, जैसे मैंने बोला आपको इंटर मॉलिकुलर फोर्सेस जो हम पढ़ेंगे, तो यहाँ पे देखो ये ज़्यादा हो जा रहा है। तो जितना आप इसमें फोर्स दोगे उतना इसमें एरिया बढ़ जा रहा है इस केस में, तो जितना आप फुलाओगे इसको तो इसका एरिया बढ़ जा रहा है, पर यहाँ पे प्रेशर, इसका मतलब ये नहीं है कि वो फटेगा नहीं बिकॉज यहाँ पे प्रेशर कम हो रहा है, नहीं, यहाँ पे वो जितना प्रेशर ले सकेगा उतना वो लेगा, अदरवाइज वो वहाँ पे फट जाएगा। सो गैसेस ऑल्सो एग्जर्ट द सेम प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर इन ऑल डायरेक्शन। तो यहाँ पे ये जो गैस पार्टिकल्स हैं, जैसे यहाँ पे वहाँ पे हमारा लिक्विड एग्जर्ट कर रहा था प्रेशर उस कंटेनर में, एक बलून के केस में यहाँ पे लिक्विड तो नहीं होता है, गैस होता है, तो वो भी एग्जर्ट करता है, और जब एक पीक पॉइंट आ जाता है देन वो भी बर्स्ट हो जाता है। ओके, अब आते हैं एटमोस्फेरिक प्रेशर के बारे में पढ़ते हैं। तो इसमें क्या बोलते हैं, जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि जब हम हाइकिंग पे जाते हैं, तो माउंटेन्स में जब हम हाइकिंग पे जाते हैं तो इस लेवल पे क्या होता है, हमारा जो है वो प्रेशर ज़्यादा होता है या कम होता है, यहाँ पे प्रेशर लो होता है, और ड्यू टू लो प्रेशर यहाँ पे चांसेस होते हैं कि इट इज़ हार्मफुल टू योर हेल्थ, राइट, ऑक्सीजन की नीड होती है हमें क्योंकि प्रेशर वहाँ पे लो होता है। तो जितना आप, अभी हम सरफेस पे हैं तो हमको जितना रिक्वायर्ड होता है हम उनको हमको उसका उतना मिल जाता है, लेकिन जैसे ही जैसे हम ऊपर जाते रहते हैं तो हमारा जो प्रेशर जो है वो घट जाता है, एंड दैट इज़ हार्मफुल टू अर्थ,
अस। सो वही होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आवर एटमॉस्फेयर एक्सटेंड्स टू सेवरल किलोमीटर्स अबव द सी लेवल। आपने तो पढ़ा ही होगा कि हमारे एटमॉस्फेयर में क्या होते हैं, ट्रोपोस्फेयर होते हैं, स्ट्रेटोस्फेयर होते हैं और मेसोस्फेयर होता है, आइनोस्फेयर होता है, क्या 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 नहीं होता, राइट? अगर नहीं पढ़ा है तो वो भी डाउट है तो बता देना कमेंट्स में, मैं पढ़ा दूंगी, ठीक है? तो ये जो हमने पढ़ा था कि इतने सारे हमारे स्फीयर्स होते हैं एटमोसफियर के अंदर, तो उसमें क्या होता है, जितना हम ऊपर जाएंगे उतना हमारा प्रेशर जो है वो घटता जाएगा। सो द वेट ऑफ द एयर एक्ट्स एज प्रेशर। तो हवा का जो वेट होता है ना वो प्रेशर की तरह एक्ट करता है। तो जैसे ऊपर जाओगे तो हवा का वेट इतना नहीं ज़्यादा होगा, इसीलिए प्रेशर कम हो जाएगा, समझ रहे हो? सो द प्रेशर इन आवर बॉडी बैलेंसेज द एटमोस्फेरिक प्रेशर एंड दैट इज वाई वी डू नॉट फील इट। ऐसे नॉर्मल कंडीशन में, ये आपका नॉर्मल कंडीशन है, जैसा हम अभी यहाँ पर बैठे हैं तो हमको इतना प्रेशर, हवा का प्रेशर इतना फील नहीं होता है, लेकिन आप थोड़ा हाइट पे चले जाओ तो हवा का प्रेशर आपको फील होता है, राइट? और पूरा अगर हम हाइकिंग की बात करें, माउंटेन्स में जाएंगे तो उतने लेवल में ना वो प्रेशर आपका बहुत कम होता है। प्रेशर कम होता है यानी कि एटमोस्फेरिक प्रेशर आपका कम हो जाता है, तो वो आपको क्या बोलते हैं उसको, सांस लेने में तकलीफ होती है वहाँ पे उस केस में, राइट? ओके, तो बच्चों क्या क्या हमने पढ़ा आज? देखो, हमने पढ़ा फोर्स के बारे में, हमने पढ़ा प्रेशर के बारे में, ठीक है? तो फोर्स के बारे में हमने क्या पढ़ा कि पुश होता है, पुल होता है, दोनों में से कोई भी होगा तो उसको हम बोलेंगे कि हाँ उस बॉडी के ऊपर फोर्स पड़ रहा है। तो इधर इट कैन बी पुश और इट कैन बी पुल फोर्स, ओके? और क्या पढ़ा हमने फोर्स में? टाइप्स ऑफ फोर्सेस पढ़ा। टाइप्स ऑफ फोर्सेस में हमने क्या क्या पढ़ा कि देर आर टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस मेनली। एक होता है आपका कॉन्टैक्ट फोर्स, दूसरा होता है आपका नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स में आपके क्या क्या फोर्सेस आएंगे? मस्कुलर फोर्स, और क्या आएगा? फ्रिक्शनल फोर्स, वेरी गुड। और यहाँ पे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस में आपके क्या क्या आएंगे? बताओ बताओ। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में आएगा मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है, और आपका ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये आपके आए, हमने फोर्स के अंदर हमने पढ़ा, राइट? और उसके अलावा हमने पढ़ा कि बैलेंस्ड फोर्सेस क्या होते हैं एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस क्या होते हैं। तो अगर आपके दोनों साइड से आपका फोर्स बैलेंस हो जाए तो वो आपका हो जाएगा बैलेंस फोर्स, लेकिन अगर दोनों साइड से आपका नेट फोर्स जो है वो बैलेंस नहीं हो रहा है, देन इन दैट केस इट विल बी अनबैलेंस्ड फोर्स। प्रेशर और फोर्स का फॉर्मूला क्या है? एफ इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन। एंड यहाँ पे इसका एसआई यूनिट क्या है? एसआई यूनिट है किलो न्यूटन। वैसे ही आपका प्रेशर के बारे में हमने क्या पढ़ा कि इसका फॉर्मूला क्या है? प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपन एरिया। एरिया अगर आपका बढ़ता है तो आपका प्रेशर जो है वो डिक्रीज होगा, राइट? और अगर आपका एरिया डिक्रीज हो रहा है तो प्रेशर क्या है आपका? इंक्रीज होगा, राइट? और क्या पढ़ा हमने? हमने यहाँ पे लिक्विड्स भी प्रेशर एग्जर्ट करते हैं, ये भी हमने देखा। गैसेस भी हमारे प्रेशर एग्जर्ट करते हैं, ये भी हमने देखा। ओके, सो बच्चों आज का क्लास आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। एंड प्लीज़ 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 इस चैनल को ग्रो करने में के लिए हेल्प करो और चैनल को सपोर्ट करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।